हे ऑल, वेलकम टू चैनल। मेरा नाम है आस्था। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटीज जो लेटेस्ट आपके लिए आई हुई है एंड यू ऑल हैव टू अप्लाई। ओके, वीडियो को एंड तक देखते रहना। जिस भी प्रोफाइल में ज्यादा इंटरेस्टेड हो, एलिजिबल हो, उसके लिए अप्लाई कर देना। मिस आउट बिल्कुल नहीं करना, बिकॉज बल्क हायरिंग होने वाली है फ्रॉम एसेंचर एंड आईबीएम साइड। अलॉन्ग विद दैट, अ वेरी गुड ओपनिंग कमिंग फ्रॉम हनीवेल। सो गाइस, तीनों ही कंपनीज के बारे में डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। वीडियो में एंड तक बने रहना ताकि आपको सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझ में आ सके एंड कंप्लीट एप्लीकेशन प्रोसेस एज वेल। ओके, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो गाइस। सो हियर यू कैन सी वी हैव फर्स्ट अपॉर्चुनिटी कमिंग फ्रॉम आईबीएम कंपनी। गाइस, आईबीएम दे आर हायरिंग एसोसिएट सिस्टम इंजीनियर रोल। इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी बिकॉज सो मेनी ऑफ यू वर वेटिंग फॉर सच काइंड ऑफ रोल, राइट? सो आईबीएम दे आर कंडक्टिंग देयर ऑफ कैंपस हायरिंग। ये ऑन कैंपस नहीं है, ऑफ कैंपस हायरिंग होने वाली है। सो यू ऑल हैव टू अप्लाई। दिस इज एन एंट्री लेवल पोजिशन गाइज फ्रॉम आईबीएम साइड एंड 2020-2021 पास आउट कैन अप्लाई फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। सो अगर आपने 2020 या 2021 में पास आउट किया हुआ है, लेस देन 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस है आपको, अप्लाई आप सभी कर सकते हो। ऑल बीवीटेक कैंडिडेट्स, ऑल ब्रांचेस कैन अप्लाई। इट्स अ वेरी गुड ओपनिंग फॉर यू पीपल बिकॉज यहाँ पर सभी ब्रांचेस एलिजिबल होने वाली हैं। अलॉन्ग विद दैट, एमई एमटेक आपने किया हुआ है और एमसीए किया हुआ है इन कंप्यूटर साइंस एंड आईटी, यू ऑल कैन अप्लाई। ओके, अलॉन्ग विद दैट मैथमेटिक्स के कैंडिडेट्स भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं और अदर सेमी आईटी या सर्किट ब्रांचेस के जो कैंडिडेट्स होते हैं विद 6 CGPA और 60% ऑफ देयर परसेंटेज कैलकुलेशन कैन अप्लाई फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। सो गाइज, अगर आप सेमी सर्किट ब्रांचेस को बिलोंग करते हो, डेफिनेटली आप लोग अप्लाई कर सकते हो। सेमी आईटी को बिलोंग करते हो, मीन्स आपको कहीं ना कहीं प्रोग्रामिंग या कोडिंग का नॉलेज है, टेक्निकल नॉलेज है, आप अप्लाई कर सकते हो। एनी वन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अगर आपको नॉलेज है, आप अप्लाई कर सकते हो। सो गो अहेड, अप्लाई फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। नो एक्टिव बैकलॉग्स आर अलाउड हियर एंड यू शुड हैव वेरी गुड कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल्स एज वेल। सो अगर इसे मीट करते हो, अप्लाई आपको कर देना है। ऑल डिटेल्स आर गिवन हियर, यू नीड टू सिंपली फिल दिस फॉर्म गाइज एंड इस फॉर्म को कम्प्लीटली फिल करना है। एज यू कैन सी, ऑल ब्रांचेस आर गिवन हियर एंड यू नीड टू अप्लाई। अप्लाई करने के बाद अगर आप एलिजिबल हो, डेफिनेटली आपको यहाँ से एक लिंक मिलेगा फॉर द एग्जामिनेशन एंड रिमेनिंग प्रोसीजर आपको एक्सप्लेन कर दी जाएगी। सो ऐसी अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी मिस आउट नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी इज कमिंग फ्रॉम एसेंचर गाइज। एसेंचर दे अगेन स्टार्टेड देयर ऑफिशियल हायरिंग फॉर एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्रोफाइल। गाइज, ये जो प्रोफाइल है, इसका पैकेज होता है 4.5 लाख पर एनम। हमारे चैनल पे काफी सारे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने इस प्रोफाइल को क्रैक किया है एंड दे जॉइंड एसेंचर एज एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर रोल। सो अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो, कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी एसेंचर प्रिपरेशन की। कंप्लीट टेस्ट पैटर्न, लेटेस्ट टेस्ट पैटर्न, सिलेबस, हाउ यू नीड टू प्रिपेयर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, कितने टेस्ट होते हैं, कैसे करना है, सब कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। डिटेल लाइव डिस्कशन मिल जाएंगे, इंटरव्यूज हमने शेयर किए हुए, ठीक है? तो एक बार चेकआउट जरूर से कर लेना। यहाँ पर गाइस, कंप्लीट प्रोसीजर आपको मिल जाएगा, कंप्लीट प्रोफाइल यहाँ दी हुई है, आप एक बार रीड आउट कर लेना। बट सिंपल प्रोफाइल होती है, यू नीड टू इन्वॉल्व योर सेल्फ इन डिजाइनिंग, बिल्डिंग, असेंबल, सपोर्ट। हमें जो टेस्ट केसेस होते हैं वो आपको क्रिएट करने होते हैं, एप्लीकेशन आपको यहाँ पर क्रिएट करनी होती है। तो सॉफ्टवेयर डेवलपर काइंड ऑफ ये होने वाला है। अलॉन्ग विद दैट, आपको बेसिक नॉलेज है एबीएपी डेवलपमेंट का, हाना का, एएमडीपी का, सीरीएस का, तो उसका आपको एडवांटेज यहाँ मिल जाएगा। जेटूई फुल स्टैक डेवलपमेंट का नॉलेज है, डेफिनेटली उसका एडवांटेज आपको यहाँ मिलेगा। डॉटनेट का नॉलेज अगर आपको है तो मेक श्योर अपने रिज्यूमे में हाईलाइट जरूर करना। वो आई एम टेलिंग यू दिस थिंग बिकॉज ऑफ माई एचआर एक्सपीरियंस एंड जो कैंडिडेट्स हमारे यहाँ पर प्लेस्ड हुए हैं उनके बेसिस पे मैं आपको बता रही हूँ गाइस कि अगर आपके पास कोई भी सर्टिफिकेशन कोर्सेज है डॉटनेट में, जावा में, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज में, वो आपको बहुत हेल्प करेंगे टू क्रैक एसेंचर इंटरव्यू। ओके, सो उन सभी चीजों को यहाँ पर हाईलाइट डेफिनेटली कर देना। यहाँ पर जो कैंडिडेट्स है बी बी टेक पास आउट, एम ई एम टेक, एम सी एम एस सी किया हुआ है इन सी एस एंड आई टी, वो सभी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं 2022 बैच से। सो बिल्कुल भी मिस आउट नहीं करना है, फुल टाइम एडुकेशन है अगर आपका, अप्लाई आपको कर देना है। उसके साथ ही गाइस, कोई भी एक्टिव बैकलॉग आपके नहीं होने चाहिए एंड यू शुड हैव कंप्लीटेड योर ग्रेजुएशन विद इन द गिवन टाइम पीरियड। मीन्स आपका 4 ईयर्स का बी बी टेक है तो आपको 4 ईयर्स में ही कंप्लीट करना है, ठीक है? कैंडिडेट शुड नॉट हैव बीन अपीयर्ड फॉर एसेंशियल रिक्रूटमेंट असेसमेंट इन लास्ट 3 मंथ्स। तो ये क्राइटेरिया आपको डेफिनेटली मीट करना होगा। अगर लास्ट 3 मंथ्स में आपने रिक्रूटमेंट ड्राइव का टेस्ट दिया है, रिजल्ट का वेट कर रहे हो, इंटरव्यू दिया हुआ है, तो आप यहाँ पर फिर से अप्लाई नहीं कर सकते। यू नीड टू वेट फॉर 3 मंथ्स, देन यू कैन अप्लाई। ओके, 11 मंथ्स का एक्सपीरियंस आपको है तो आप अप्लाई कर सकते हो। ऑन पेपर जो आप शो करोगे वो 11 मंथ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, तो ये इनका क्राइटेरिया है, अगर आप मीट कर रहे हो डेफिनेटली इसके लिए अप्लाई करना बिल्कुल मत भूलना। बल्क में हायरिंग होती है एसेंचर में, एंड अगेन दे स्टार्टेड देयर ऑफिशियल हायरिंग साइट, सो यू डोंट हैव टू वेट फॉर एनीथिंग, अप्लाई आज ही कर देना। जो आप रेज्यूमे यहाँ पर अपलोड करोगे, मेक श्योर वही रेज्यूमे अपलोड करना जिससे कि आपको इंटरव्यू फेस करना। ओके, बिकॉज एसेंचर आपको आफ्टरवर्ड्स इंटरव्यू
जो आपका रेज्यूमे होता है वो चेंज करने का ऑप्शन नहीं देता है। साथ ही आपको इस फॉर्म में, इस एप्लीकेशन फॉर्म में जो भी आप फिल कर रहे हो उसे बाद में करेक्ट करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो जो भी इंफॉर्मेशन फिल कर रहे हो करेक्ट फिल करना, बिकॉज ये सब कुछ चेक होगा एट टाइम ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, तो कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन आपको फिल नहीं करनी है। मेरे काफी सारे कैंडिडेट्स ने प्रॉब्लम फेस की थी, मैं आपको वही इंटीमेट कर रही हूँ। कोई गलत इन्फॉर्मेशन फिल नहीं करनी है, किसी भी इन्फॉर्मेशन को मिस नहीं करना है, बिकॉज आफ्टरवर्ड्स आपको वो करेक्ट करने का मौका नहीं मिलता है। ठीक है, सभी इन्फॉर्मेशन करेक्टली चेकआउट कर लेना, रेज्यूमे अपलोड कर देना, फोटो अपलोड कर देना, पैन कार्ड होना आपके पास मैंडेटरी है अगर आप एसेंचर में अप्लाई करते हो। ओके, सबमिट कर देना इस फॉर्म को। डेफिनेटली आपको काफी टेस्टिंग मिल जाएगी, जैसे ही अगर आप एलिजिबल होते हो, एलिजिबल हो टेस्टिंग मिलेगा, उसका टेस्ट आपको देना होगा। कंप्लीट प्रोसीजर हमारे चैनल पर दी हुई है प्रिपरेशन प्लेलिस्ट में, वहां से आप चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी की अगर मैं बात करूंगा इस, तो वो आ रही है हनीवेल की तरफ से। हनीवेल हायर कर रहा है एप्लीकेशन इंजीनियर के लिए। लोकेशन आपकी होने वाली है महाराष्ट्र। एंड गाइज, यहाँ पर 20 अगस्त से ये स्टार्ट हो चुका है। टेस्ट आपका एंड होगा 10 सितंबर को, तो उसके पहले आपको यहाँ पर टेस्ट अटेंड कर लेना है। ये कंप्लीट प्रोसीजर है, आप एक बार चेकआउट कर लेना कि आपके रोल्स होने वाले हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होने वाली है। ऑल बैचलर्स कैन अप्लाई, अगर आपने एरोस्पेस सिस्टम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में किया हुआ है अप्लाई आप कर सकते हो। ठीक है, सभी इन्फॉर्मेशन गिवन है, एक बार चेकआउट करके अप्लाई डेफिनेटली कर देना। काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, इस तरह की डेली अपॉर्चुनिटीज के लिए गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इफ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू जॉइन सम रियली गुड एमएनसी कंपनी, सॉफ्टवेयर जॉब्स, कोडिंग, नॉन कोडिंग प्रोफाइल्स, मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना। एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू, बाय बाय।